बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने कोई वर्किंग करनी हो और यूट्यूब में हम लोग कोई साथ वीडियो देख रहे हो तो वो किस तरह हम उसको वीडियो को पॉपअप में चला सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो को, और साथ अपनी दूसरी वर्किंग भी स्टार्ट रख सकते हैं अपने सेलफोन के अंदर। तो ये चीज़ें किस तरह से होंगी, इसके लिए हम लोगों ने ऐप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए प्ले स्टोर के अंदर आएँ। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और हम लोगों ने यहाँ सर्च करना है VLC। ये एंड्रॉयड के लिए ये VLC हमारे पास अवेलेबल है प्ले स्टोर में। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर दें। जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो पहले ये कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद यूट्यूब के अंदर जाना है, जो भी वीडियो आपने VLC के अंदर चलानी है, बैकग्राउंड के अंदर चलानी है, उस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम अब यूट्यूब ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ से जिस वीडियो को हमने VLC में बैकग्राउंड में चलाना है उसको इस तरह से हम लोग प्ले करेंगे और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास नीचे जो शेयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने इसको शेयर कर देना है VLC के अंदर। ये हमारे पास ऑप्शन है प्ले विद VLC, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे पास स्कैन करेगा वीडियो को, और वीडियो को स्कैन करने के बाद वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हमारी वीडियो जो है वो स्कैन हो गई है और ये देखें यहाँ पर ये ओपन हो गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको बैकग्राउंड में कैसे चलाना है, यहाँ नीचे ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा पॉपअप प्लेयर। पॉपअप प्लेयर पर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो जो है वो बैकग्राउंड में चलना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह, और आप इजीली जो है अपने वर्क के साथ साथ अपने यूट्यूब की वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। किसी भी जगह चाहें आप इसको इस तरह रख सकते हैं और बाकी अपना तमाम वर्क जो है आप इसके साथ ही कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you.